ब्रह्मपुत्र रिवर के साइड में आया हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, शायद फेरी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और बहुत बारिश हुआ है इसके चक्कर में, और जो साइक्लोन अम्फान आया था उसके वजह से यहाँ पर जितने भी बनाए गए थे बहुत सारे घर आप देख सकते हो रिपेयरिंग चल रहा है। एक्चुअली आपको गोप्रो में दिखेगा नहीं, पूरा वाइड में, तो मैं आपको पूरा सिनेमेटिक शॉट्स लेके दिखाता हूँ। तो एक्चुअली मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बहुत बारिश आता नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ पर नॉर्मली अगर आप गिनोगे हर साल तो 20,000 लोग से ज़्यादा मतलब बिना घर के हो जाते हैं, उनके पास घर ही नहीं रहता रहने के लिए बिकॉज ऑफ रेन फ्लड्स और साइक्लोन। तो नॉर्मल छोटा मोटा आते रहता है जिसका घर वर सब उड़ जाता है। सो दैट्स इट, और सिनेमेटिक शॉट्स इन्जॉय करो, और जो चीज़ के लिए आया था उसके लिए तो यही करूँ। सो यू कैन सी दैट कि इतना ज़्यादा गोप्रो में आपको पता नहीं चलता है, मैं DSLR लेके नहीं आया सो व्लॉगिंग करने के लिए, और रीज़न आपको पता ही है। तो यहाँ बहुत सारे बोट लगे हुए हैं, क्योंकि जिसको नॉर्थ गुवाहाटी जाना रहता है वो बोट से जा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा पानी आप देख सकते हो, मतलब नॉर्मल डे से बहुत ज़्यादा पानी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश गिरा। लास्ट 3 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरफ आऊँ, और जिस चीज़ के लिए आया था वो सन बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये व्यू अगर आप देख सकते हो तो एक्चुअली नाउ आई विल शो यू वन थिंग दैट कोरोना सब जगह फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर कपल्स भी बहुत सारे हैं। वे पता नहीं सबको टाइम पास लग रहा है, पता नहीं क्यों बहुत सारे घूम रहे, आप देख सकते हो उधर आगे में और बीच में और बहुत सारे हैं। तो अगर आप वो देखोगे फेरी जा रहा है बहुत सारे लोगों को लेके, ऐसा मैंने बताया आपको थोड़ा देर पहले। एक्चुअली मैं जो यहाँ कपूर वाला रिकॉर्डिंग कर रहा था, मेरे पीछे भी कपूर बैठा हुआ, मुझे पता ही नहीं था। सो आप देख सकते हो मेरे पीछे साइड पे बाइक के पैर और अंडा जो भी रखा हुआ है उसके पीछे में। सो लाइक मैं 2 मिनट के लिए सोच ही रहा था क्या बोल दिया, फिर इट्स ओके, जिसको मिलना है मिलेगा। तो यहाँ पर टाइम वही हो गया, मुझे नहीं लगता कि अभी इस टाइम बाहर आने वाला, क्योंकि बादल आ चुका है एज यूजुअल, हमेशा का तड़ा बादल आ चुका है। और यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है, क्योंकि लेट ज़्यादा लेट करना नहीं है बाहर पे अभी इस वक्त। तो जाता हूँ वापस, और बाहर का कुछ खाना भी नहीं है ना कुछ रुकना है, नॉर्मल जैसे मैं रुकता हूँ हमेशा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, छोटा सा वीडियो है, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक्चुअली मैं ये वीडियो 2 दिन बाद वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैंने आज एक न्यूज़ सुना, मतलब एक बेबी एलिफेंट उसके पेट पे था, और एक एलिफेंट को मतलब केरला में एक पाइनएप्पल के अंदर फायर क्रैकर्स भर के मार दिया गया। मतलब कोई भी किसी का जान ले रहा है, कोई कुछ बोलने के लिए नहीं, अभी तक लीगल एक्शन तक लिया नहीं गया है पुलिस के थ्रू। मतलब विदाउट रीज़न कैसे कोई एक लाइफ ले सकता है, मतलब एक क्या उन लोगों ने तो दो दो लाइफ ले लिया, मतलब कोई एक्शन तो लिया जाए। और हम लोग बोलते हैं कि कोरोना हमें मतलब यार कोरोना हमें मार रहा है विदाउट रीज़न। अगर आप बिना विदाउट रीज़न एक जानवर को मार सकते हो तो कोरोना हम लोग का जान ले सकता है विदाउट रीज़न। अगर आप किसी के साथ ख़राब कर रहे हो तो आपके ऊपर ख़राब वापस हो गई, ये फैक्ट है कि आपके साथ ख़राब होने ही, अगर आप किसी भी चीज़ के साथ ख़राब कर रहे हो तो। सो मतलब यार वो देखने का बाद मेरा मूड बहुत अपसेट हो चुका है, मतलब क्या बोलूँ, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका है यार, कोई कैसे ले सकता है किसी चीज़ का जान। और मैंने बहुत सारे अभी न्यूज़ भी पढ़े कि बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्री, बहुत सारे यमन हो गया और हंगेरी हो गया और बहुत सारे यूरोप का ये कंट्री था पहला कंट्री,
जिससे डेमोक्रेसी छीन लिया गया बिकॉज ऑफ COVID-19 पेंडेमिक, और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री भी है, ब्राज़ील भी है इसमें इंक्लूडेड, और बहुत सारे कंट्रीज हैं। मैं अभी कुछ कुछ पेजेस पर रहा था और कोई केयर नहीं कर रहा उसके बारे में, कोई भी मतलब सब COVID-19 के साथ बिजी है। और मतलब मैं वो ही आर्टिकल पढ़ रहा था अभी थोड़ा देर पहले बैठ के, कि 84 कंट्रीज़ के आसपास से डेमोक्रेसी छीन लिया गया है, और मतलब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, सब सुपर मतलब अपना पावर यूज़ कर सकते हैं, और कितने कंट्री में जो ओपोजिशन पार्टी है उसको जेल में डाल दिया गया है, तो कि कंपटीशन ना हो। सो ऐसा भी चल रहा है को, मतलब सारे कंट्रीज़ के मतलब डेमोक्रेसी अभी के समय सही नहीं हो सकता है, लेकिन आप किसी का भी इंडिपेंडेंसी नहीं छीन सकते, और यही है, क्या बोलूँ मैं तो कुछ नहीं कर सकता आम आदमी। बस मेरे को मैंने एक आर्टिकल पढ़ा तो मैं आके बोल दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैंने जो आज वीडियो पे दिखाया कि पब्लिक बिंदास घूम रहा है, मैंने कोई वो स्पॉटेड लोकेशन पे ही दिखाया, क्योंकि तो और सब जगह मुझे ज़्यादा पब्लिक दिखा नहीं, लोग मास्क पहन रहे थे, लेकिन जिस स्टॉप पे मैं था जहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रहा था वो लचित बोरफुकन के सामने में फेरी है, वहाँ पर मैं खड़ा होकर जस्ट रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैंने देखा कि बहुत लोग वहाँ पर बिंदास घूम रहे, जनरली कपल्स, और मतलब ऐसे घूम रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो और नॉर्मल दिन चल रहा है, मतलब विदाउट मास्क के घूम रहे थे। मैंने देखा, मैंने रिकॉर्ड भी किया, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा तो मुझे पता नहीं, आप पूरा वीडियो रिवाइंड करके देखो, कोई ना कोई पार्ट में आपको दिख जाएगा कि मास्क पहने हुए नहीं है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबा दो, चैनल का सब्सक्राइब कर दो, और यार वो